असलवान आज हम गाइटन चैप्टर नंबर वन पढ़ने लगे विच इज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल इन्वामेंट अच्छा ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में करेंगे ठीक है सो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट वन ऑफ चैप्टर नंबर वन अच्छा इस पार्ट वन में हमने बेसिकली पढ़ना है होम्योस्टेसिस एंड okay? पार्ट टू में हमने पढ़ना है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी जिसके अंदर फीड बैक सिस्टम आ जाता है और फीड फॉरवर्ड सिस्टम आ जाता है ओके ना सो स्टार्टिंग विद होम्योस्टिस क्या है उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं तो फिर आपको होम्योस्टिस की ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी ओके okay, तो हमारी बॉडी टोटल कितने सेल्स से बनी हुई है सो दैट इज हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स तो ये काफी ज़्यादा है ओके सो हंड्रेड ट्रिलियन सेल्स में से ट्वेंटी फाइव परसेंट आर बी सीज़ हैं और सेवेंटी फाइव परसेंट बाकी सारे सेल्स हैं बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स बने हुए हैं स्किन है हेयर और बाकी तमाम ऑर्गन्स ओके सो दिस हंड्रेड हंड्रेड ट्रिलियन एज टोटल नंबर जिसमें से ट्वेंटी फाइव ट्रेलियन आर बीस हैं आर बी सीज़ हैं एंड सेवेंटी फाइव ट्रिलियन बाकी सेल्स हैं ओके अच्छा हम गाइटन के फ्लो से ही चलेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे uh, तो ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ फ्रॉम गाइडन अच्छा अब ये जो टोटल बॉडी है ये टोटल बॉडी कितने परसेंट सॉलिड्स है और कितने परसेंट फ्लूड्स है सो इट्स फोर्टी परसेंट सॉलिड्स एंड सिक्सटी परसेंट फ्लूड्स ओके अब ये मैं सारा कुछ क्यों बता रहा हूँ आपको फिर बाद में पता चलेगा कि व्हाट इज होम और उसके अंदर ही सारा कुछ बताने की जरूरत है सो इट्स फोर्टी सॉलिड्स एंड सिक्सटी परसेंट ओके सो so, अब फ्लूइड्स की आगे फर्दर डिफ्रेंसियेशन अगर हम करनी है तो वह दो टाइप्स के हैं फ्लूइड्स वन इज इंट्रा सेलुलर फ्लोइड एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लोइड टोटल बॉडी का फोर्टी परसेंट सॉलिड हो गया और सिक्सटी परसेंट फ्लोइड हो गया उस सिक्सटी परसेंट का टू थर्ड यानी कि अराउंड सिक्सटी सिक्स परसेंट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूड एंड थर्टी थ्री परसेंट विच इज वन थर्ड ऑफ द फ्लूइड दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड तो इंट्रा सेलुलर फ्लूड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से ऑलमोस्ट डबल है ओके okay. अच्छा इंट्रा सेलुलर कौन सा है जो कि सेल्स के अंदर है और एक्स्ट्रा मींस सेल के बाहर ठीक है तो सेल्स के अंदर जो फ्लूड हुआ उसे हमने इंट्रा सेलुलर कह दिया और सेल से बाहर जो फ्लूड है उसे हमने एक्स्ट्रा सेलुलर कह दिया ठीक है अब ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ये फर्दर किन दो कंपोनेंट से बना होता है अगर हम इसे डिवाइड करें तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड इन दोनों को मिला के हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बनाते हैं ओके अब मुझे बताओ ब्लड है ब्लड क्या सेल्स के अंदर होता है नो ब्लड इज इन द ब्लड वेसल्स ठीक है तो ब्लड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का हिस्सा आएगा ठीक है इंटरस्टीशियल फ्लूइड इंटरस्टीशियल फ्लूइड भी वो फ्लूड है जो इंटस्टीशियम बनाता है और इंटस्टीशियम सेल्स के बाहर होता है सो सो इफ वी फोकस ऑन दिस डायग्राम रेड वाले सेल्स हैं और रेड वाले सेल्स के अंदर जो है दैट इज और सेल्स के इर्द गिर्द जितना भी फ्लोइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है ठीक है और ये जो पर्पल कलर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड मैंने बनाया हुआ है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के आगे दो डिवियन हैं

एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड अच्छा नाउ द इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड को हम इंटरनल एनवायरमेंट भी कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूड को इंटरनल एनवायरमेंट भी कहते हैं और फ्रेंच में इसको मिलियो इंटीरियर भी कहते हैं ठीक है सो दिस इज इंटरनल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट को ही फ्रेंच में मिलियू इंटीरियोर कहते हैं अच्छा नाउ द क्वेश्चन कम्स इस सारी स्टोरी में कि व्हाट इज इंटरनल एनवायरमेंट ठीक है अब इंटरनल के नाम में इंटरनल है तो उससे ये फील आती है कि ये इंट्रा सेलुलर फ्लूड की बात हो रही होगी बट नो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड ओके सो इंटरनल एनवायरमेंट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड अच्छा तो अब हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड को ही क्यों इंटरनल एनवायरमेंट का नाम दिया है ठीक है तो अगर आप अगेन इस डायग्राम पे फोकस करो तो ये सेल्स हैं रेड वाले सेल्स का एनवायरमेंट कौन सा है आपका एनवायरमेंट क्या है जो आपके इर्द गिर्द चीजें होती हैं उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं ठीक है तो सेम इज के जो सेल के इर्द गिर्द जो हो रहा होगा उसको हम सेल का एनवायरमेंट कहेंगे ठीक है ना या तो इंटरनल एनवायरमेंट इज जो कि इसके बाहर जो भी एनवायरमेंट है सेल के ठीक है या जिस एनवायरमेंट में सेल रह रहा है तो वो कौन सा एनवायरमेंट है दैट इज बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड यानी कि सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं यानी कि जो भी चीजें इसमें हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में जो कि आगे हम ये डिस्कस करेंगे ठीक है वो सारी की सारी इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी में आएंगे ओके नाओ कमिंग टूर्ड्स होमियोस्टेसिस मैंने कहा पार्ट वन में बेसिकली होमियोस्टेसिस पढ़ा तो होमियोस्टेसिस कहाँ रह गए ये तो स्टोरी कुछ और ही चल रही है नाओ कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ होमियोस्टिस ये पूरी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन मैंने तीन कलर्स इसलिए यूज किया ताकि वो डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो आपको कंपोनेट से ओके ना होम्योस्टेसिस इज द मेनटेनेस ऑफ नियरली कॉन्स्टेंट कंडीशन इन इंटरनल एनवायरमेंट तो अब यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा सेलूर फ्लूड नाम नहीं यूज किया इंटरनल एनवायरमेंट नाम यूज़ किया यानी कि वो कह रहा है कि इंटरनल एनवायरमेंट की कंडीशन को हमने मेंटेन करके रखना है यानि कि इंटरनल एनवायरमेंट यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड की हमने कंडीशन को मेंटेन करके रखना है यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड में जो चीज़ें हैं उनको हमने एक कांस्टेंट बैलेंस्ड लेवल पे मेंटेन करके रखना है और इस मेंटेनेंस ऑफ अ कांस्टेंट लेवल और अ नियरली कांस्टेंट लेवल और अ नियरली कांस्टेंट कंडीशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड और इंटरनल एनवायरमेंट इज बेसिकली ठीक है ओके okay. अब भाई ये कंडीशन क्या है ये conditions में क्या आ जाता है अब हम आके आगे डिस्कस करते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर हैंड और इंट्रा सेलुलर फ्लूड की कंपोजिशन में फर्क क्या है और कंपोजिशन में मेनली जो चीज पूछी जाती है वो ये है कि उसकी आयोनिक कंपोजिशन में क्या फर्क है तो इंट्रा सेलुलर फ्लूड में हमारे पास पोटेशियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट ज्यादा होते हैं सेल्स के अंदर या इंट्रा सेलुलर फ्लूड में हमारे पास पोटेशियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट ज्यादा होते हैं जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड में हमारे पास सोडियम क्लोराइड बाइकार्ब आयन ज़्यादा होते हैं ठीक है सोडियम क्लोराइड और बाइकार्ब आयन ज्यादा होते हैं ठीक है अच्छा इसके साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में और क्या होता है एक्स्ट्रा सेलोर में ऑक्सीजन होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो हम खाते पीते हैं सारे शुगर फैटी एसिड्स अमाइनो एसिड्स होते हैं ठीक है तो ये तो हो गई चीजें सारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड वाली और ये हो गई हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूड वाली अब होमियोस्टेसिस क्या हुआ ये सेल साहब हैं सेल के इर्द गिर्द ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं अब ये जो सेल है इसके इर्दगे इर्द गिर्द ये सारी चीजों के बैलेंस को मेंटेन रखने को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं ठीक अब ये सारी चीजें इन्हें कौन मेंटेन रखेगा और किस तरह मेंटेन रखेंगे तो इसके लिए आपको सारी गाइडिंग पढ़नी पड़ेगी क्विकली इन मिनट्स सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम का मैं एक ओवरव्यू देता हूं uh, इस होमियोस्टेसिस के रेफरेंस से तो नाउ कमिंग टू सोडियम क्लोराइड इन बाइक सोडियम क्लोराइड बाइक सोडियम क्लोराइड कहां से आ रहे हैं तुम लोग नाश्ता करते हो उसमें तुम अंडा खाते हो उसके ऊपर नमक नहीं छिड़कते सो दैट इज सोडियम क्लोराइड ओके एंड उसके साथ साथ बाइक अब इनके लेवल को चलो डाइट से आ रहा है हम फिर मेंटेन कौन करके रखेगा इनके लेवल को इनके लेवल को किडनीज मेंटेन करके रखेंगी ठीक है एक तो हम इनटेक कर रहे हैं और उसके साथ साथ किडनीज इसके लेवल को एक्सक्रीट आउट करके या रिब्सॉर्व करके मेंटेन करके रखेगी ठीक है तो किडनीज का रोल बेसिकली क्या हुआ होमियोस्टेसिस में किडनीज का रोल हुआ किडनी ने एक जबरदस्त बैलेंस मेंटेन करके रखना है

ले रहे हो आप तो फैटी ले रहे हो और अमाइनो एसिड्स ले रहे हो ठीक है सो so ये सारे सिस्टम्स मिलके होम्योस्टेसिस का काम करते हैं अच्छा ये तो किडनीज लंग्स स्टोमिक लिवर की हमने थोड़ा सा जिक्र कर दिया होम्योस्टेसिस में किस तरह ये बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हैं और भी कुछ सिस्टम है यस और ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी वो सारे इसके अंदर आएंगे सो कमिंग टूर्ड्स नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम जो कि होमियोस्टेसिस रोल प्ले करें तो उनका ब्रीफली इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एंड द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू टेल यू ओके सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड अब यहां पे हमारे पास क्या है यहां पे हमारे पास इफ यू फोकस अलग सारे खानों में there are different organ systems here it's nervous system here it's hormonal system then immune system then reproductive system and integumentary system i'll explain all these systems okay if we just focus on the nervous system the nervous system ke components can the a system? There are three components of nervous system. Number one is sensory system, then we have center, and then we have motor system. So we have nervous that we have brain. Okay, so brain is the part is basically uh, center center and then we have spinal cord. So center is composed of brain and spinal cord. Okay, so center the center? one is sensory system, and the other one is motor system. What is sensory system? care. sensory system is composed of sensory receptors, and sensory receptors are your all senses. You are video, so that's vision. That is your sense. You are through ears. That is also a part of sensory system. Then touch receptors and many तो अब ये सेंसरी सिस्टम क्या करता है ये इंपल्स भेजता है सेंटर को एंड सेंटर कंसिस्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेसिंग करता है और फिर मोटर सिस्टम को इंपल्स भेजता है फॉर मोटर एक्टिविटी और मोटर सिस्टम किससे बना होता है मसल्स ठीक है ये तीन मोटे मोटे कंपोनेंट हम कंपोनेंट्स हैं हमारे पास नर्वस सिस्टम के अच्छा ब्रेन का अच्छा ये सेंसेशन दे रहा है ये इफेक्ट है तो ब्रेन का क्या काम है तो ब्रेन के दो तरह के काम है। ब्रेन का काम एक तो प्रोसेसिंग करना है सारी इंफॉर्मेशन की ठीक है और उसके बाद जो भी आगे उसने इम्पल्स भेज के इफेक्ट करवाना है ये ब्रेन का काम है अच्छा इसके अलावा ब्रेन का एक और मेन काम है वो ये है कि ब्रेन सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है अब आप लोग इस वक्त लेक्चर सुन रहे हो हाउ इट्स वर्किंग सेंसरी सिस्टम से आपने इंफॉर्मेशन पकड़ी और आपने ब्रेन को भेज दी अब ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस किस तरह करेगा एग्जैक्टली exactly? ब्रेन क्या करेगा ब्रेन बहुत फाइन तरीके से प्रोसेस करता है ब्रेन जो इंफॉर्मेशन आप इस वक्त पकड़ रहे हो इसको जाके किसी ना किसी पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करके रख देगा अच्छा बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि इस वक्त आप लोग सुन रहे हो कि ब्रेन है स्पाइन कॉर्ड है तो इट्स न्यू आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले से है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की आप उसके साथ इस नई इंफॉर्मेशन को जाके लिंक कर दोगे ठीक है और जब आप उसको लिंक कर दोगे तो फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इस उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है सो दिस इज अ स्टडी टेप कि आपने कभी भी किसी चीज को याद करना है कोई रट्टे वाली चीज है तो उसको बिल्कुल एज ए न्यू इंफॉर्मेशन अलग से नहीं याद करना एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करके याद करना है कि मेरे पास पहले क्या इंफॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में और फिर उसके साथ आप उसको अटैच करके रख देते हो ठीक है यानी कि मैंने ब्रेन का जैसे ही मैंने ब्रेन का नाम लिया है तो तुम लोगों के क्वाइट पॉसिबल एक ब्रेन की पिक्चर जहन में आ गई होगी मैंने यहां पे ब्रेन की पिक्चर नहीं दिखाई बट यू ऑलरेडी हैव अ पिक्चर ऑफ ब्रेन यू माइंड तो लिंकिंग द इंफॉर्मेशन तो लिंक करने से इट्स ईजी टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ठीक है ओके okay. सो so, इसके साथ साथ वी हैव वन अदर पार्ट दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो कि ऑटोमेटिकली चल रहा है योर हार्ट इज बीटिंग क्या आप उसको कमांड दे रहे हो कि भाई बीट करो तेज हो शाबाश नो no, नॉट एट ऑल आप सांस लेते हो क्या आप हर वक्त कॉन्शियसली सांस ले रहे हो नो यस कॉन्शियसली आप उसकी स्पीड तेज कर सकते हो स्लो कर सकते हो बट ये सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस है एंड अगेन द ब्लड प्रेशर में सिस्टम आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलो भाई ब्लड प्रेशर ऊपर चले जाओ चलो नीचे आ जाओ नो इट इज वॉक लाइक इट इज ऑटोमेटिक ओके सो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसका कंट्रोल करता है ठीक है ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स हार्मोनल सिस्टम नाउ हार्मोनल सिस्टम में क्या होता है हार्मोनल सिस्टम में बेसिकली देर एट ग्लैंड फोकस ऑन इट सो हॉर्मोनल सिस्टम में वी हैव एट ग्लैंड अब ये ग्लैंड क्या से करते हैं ये ग्लैंड हॉर्मोन से करते हैं ठीक है ठीके? अच्छा हॉर्मोन्स का क्या काम है हॉर्मोन जाते हैं सेल्स के ऊपर और सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं So, okay, क्या मतलब ये क्या बात हुई ओके okay, मैं इसकी एग्जाम्पल्स देता हूँ बी ईजी टू अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द फेमस हारमोन आई देअर एग्जाम्पल्स वन वी हैव thyroid hormone. Thyroid hormone क्या करता है ये इट increases द रेट ऑफ reaction. सेल्स पे जाता है और उनका रेट ऑफ reactions इंक्रीज कर देता है फॉर इंस्टेंस इफ वी हैव increased अमाउंट ऑफ thyroid hormone तो हमारा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाएगा ठीक है ओके ना इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इसका काम है एड्रीनोकॉटिकोट्रॉपिक हार्मोन्स क्या करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एंड मनी मोर थिंग्स उसमें इनका रोल है पैराथायर हार्मोन क्या करता है कैल्शियम रेगुलेशन में पैराथायर हार्मोन का काम है अच्छा इन सारी चीज़ों पर अलग अलग चैप्टर्स हैं पूरे गाइड के जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे ठीक है बट जस्ट ब्रीफली तो इस तरह ये हॉर्मोनल सिस्टम भी होमियोस्टेसिस में काम करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन अ बैलेंस मिसाल के तौर पे अगर आप किसी सर्द इलाके में चले गए हो तो वहां पे आपको ठंड लगेगी तो जब ठंड लगेगी तो बॉडी क्या करेगी बॉडी चाहेगी कि हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए इंटरनली तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए हमें बॉडी के रिएक्शन को तेज करना पड़ेगा और वो कौन करेगा थारॉयड हार्मोन तो इस तरह बैलेंस मेंटेन हो गया थीके? अच्छा आप लोग खाना खाते हो हम होमियोस्टेसिस बैलेंस की बात कर रहे हैं ना आप लोग खाना खाते हो ढेर सारा ग्लूकोज इंटेक आपने कर लिया अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज भागता है तो इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी इंसुलिन आएगी और उस ग्लूकोज को स्टोर करके कर रख देगी या कन्वर्ट करके कर रख देगी वर्सा, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गई आपने 12 घंटे से कुछ खाया नहीं है ठीक है और फिजिकल एक्टिविटी हो रही है तो ये इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा ओके ओके नाउ नेक्स्ट इज द दी सिस्टम अच्छा इंटेगोमेंट्री सिस्टम क्या होता है तो बड़ा मुश्किल सा नाम ले लिया मैंने इट्स नथिंग इट्स बेसिकली जो स्किन है ना स्किन है और आपकी स्किन की जो अपडेजेज हैं अपैंड कौन से होते हैं नेल्स स्किन स्किन ओके सो ये सारे हैं इंटेगोमेंट्री सिस्टम अब इसका काम क्या स्किन का सिंपल सी बात है नंबर वन तो बैरियर है ठीक है हमारे अंदर इंदे इंटरनल इंदे ऑर्गन है सारों को प्रोटेक्ट किया बैरियर के तौर पर काम करता है सेकेंड वन टेम्परेचर रेगुलेशन सेम एग्जाम्पल आप गर्मी में जाते हो तो एकदम से आपको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा बट इमीजिएटली स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी और स्वेटिंग क्या करती है कूलिंग इफेक्ट देता है तो इस तरह तो स्किन भी होम्योसोस में, में काम करती है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट भी स्किन का काम है स्वेटिंग के साथ वेस्ट भी कुछ निकल जाते हैं एंड देन क्वेश्चनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स okay okay next system is the in homeostasis is the immune system Ab, immune system cajohome immunity hai. immunity against what pathogens viruses bacteria. or immune system mein kya it's basically the white blood cells the famous white blood cells or white blood cells uh, then we have immune system organs like thymus lymph nodes and spleen in है इंसानों ja and finally we have reproductive system so how a reproductive system provides homeostasis simple homeostasis by producing new beings okay so this was it the mom systems discussed in a minute I'm going to give you overview of what we studied in part one of chapter one वी हैव ट्वेंटी फाइव ट्रिलियन आर बी सीज एंड सेवेंटी फाइव ट्रिलियन अदर सेल्स टोटल ऑफ हंड्रेड ट्रिलियन वाट इज होम्योस्टेसिस इट इज देंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट कंडीशन इन इंटरनल इन्वायरमेंट अब भाई कॉन्स्टेंट कंडीशन इंटरनल इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलूर फ्लूड को हम कहते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड क्या होता है सिंपली जो सेल्स के बाहर होता है तो वो हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूड भी होगा यस

We have nervous system playing its role in homeostasis. Then we have hormones playing its role in homeostasis. And then the integumentary system, which includes skin and appendages, immune system, which has WBCs, and reproductive system, which produces uh, homeostasis by producing new beings. So this was part one of chapter one. CUN part. Two, which we are going to discuss in next, we uh, feedback system and feed forward system. Okay, thank you.